सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये एक तरह से इंसेक्ट है जो फ्लावर में अंदर घुस जाता है, और ये काफ़ी किसान भाइयों की समस्या थी। हमारे पास में काफ़ी वीडियोस आई, काफ़ी फ़ोटोज़ उन्होंने भेजी। ये पूरे फ्लावर को डैमेज कर देता है। आप देख रहे हैं कि ये हवा में उड़ जाते हैं। ये मोस्टली मॉर्निंग टाइम में जैसे ही सनलाइट आती है तब ये तुरंत फ्लावर के अंदर घुस जाते हैं, और प्रजनन के लिए अपने अंदर में फैमिली को और इंक्रीज़ करने के लिए ये अंदर फ्लावर के अंदर चले जाते हैं, और सेलुलोज को खा के ये अंदर और बच्चे पैदा कर देते हैं। ये देख लिए आप, ये हमारे सब्सक्राइबर ने ये वीडियो हमारे पास भेजी है, किस तरह से फ्लावर का पूरा ये बुरा हाल कर दिया है। अब इसका फ्रूट बनना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरा स्टिग्मा और पोलन एकदम इन्होंने ख़त्म कर दिया है। फ्लावर ही पूरा एक तरह से ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, और ये एक नहीं, ये सभी फ्लावर का यही हाल कर देते हैं पूरे फील्ड में। ये देखिए, ये आते कहाँ से हैं, क्या कारण है, कैसे इनकी रोकथाम की जाए, और इनका नुकसान क्या रहता है, ये इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए किसान मित्र यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। ये हमारे ड्रैगन फ्रूट की फार्म की अभी प्रेजेंट सिचुएशन आप देख रहे हैं। आप ग्रोथ भी देख पा रहे हैं, और अभी फ्लावर से फ्रूट बनना भी चालू हो चुका है। ये हमारी ग्राफ्टेड वैरायटी है, क्रॉस ब्रीड वैरायटी। तो ग्रोथ वाइज हम काफ़ी सेटिस्फाई हैं। कैनोपी भी पूरा फुल हो चुका है, और फ्लावर भी काफ़ी ओपन हुए हैं इस बार, आपने हमारे रिसेंट वीडियो में देखा भी होगा। बारिश ज़्यादा होने के कारण में आप देख रहे होंगे फील्ड काफ़ी गीला है, लेकिन हमने इस तरह से इसको कवर किया हुआ है कि पानी स्टॉक नहीं होता नियर बाय रूट्स के, तो जिससे रूट्स को डैमेज होने का हमारे यहाँ चांस बिल्कुल कम रहता है। हमने खाद इतनी ऊंचाई पे लगाया हुआ है कि प्लांटेशन करीबन एक फीट ऊँचा है। खाद के ऊपर में ही हमने प्लांटेशन किया था। जो किसान भाइयों ने प्लांटेशन कैसे करते हैं, अगर वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, वो भी इस तरह से प्लांटेशन कर सकते हैं। हमने ड्रिप नहीं लगवाया, हम डायरेक्ट फ्लड से ही देते हैं। इस ईयर के एंड में हम इस बार ड्रिप लगवाएंगे, इससे फर्टिलाइज़र की काफ़ी बचत हो जाती है और वाटर वेस्टेज भी नहीं होता। तो चलिए मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो आप इंसेक्ट देख रहे थे, ये क्यों आते हैं, क्या रीज़न है इनका आने का। आप जैसे ही नया खाद लगाते हैं और बारिश का मानसून का टाइम आता है, तो ये उससे पैदा होने लगते हैं, या कोई गोबर का खाद आपने कहीं पर लगाया हुआ कच्चा, तो उसमें से ये आने लगते हैं। हमने इसके लिए पौधों को बचाने के लिए फ्रूट को पहले हमने ये कवर लगाए थे, लास्ट ईयर भी आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा। ये फ्रूट कवर बैग हमने सबसे पहले अमेजोन से मंगवाए थे ऑनलाइन, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ना के बराबर थी, वो एक सीज़न में नहीं निकाल पाए, और काफ़ी कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा थे। ये करीबन 20-25 रुपीज़ के आसपास पर पीस था, जिसका डायमेंशन भी कम था और स्ट्रेंथ भी बहुत कम थी इनकी। तो हमने अपने लोकल में ही इनको बनवाना चालू किया, क्योंकि कोविड का टाइम था, लोगों के पास रोज़गार नहीं था बिल्कुल भी। तो हमने नियर बाय जो गरीब परिवार थे उनको इस तरह का काम दिया, ताकि उनकी भी इनकम हो और हमारा भी काम निकल जाए। तो इसकी डायमेंशन आप देख रहे हैं, ये करीबन 8 से 9 इंच चौड़ाई में है, और 12 से 14 इंच हमने इसको लेंथ में रखा, ताकि फ्लावर और फ्रूट दोनों कवर हो सके। ये हमारा नाइट का, अभी हम इस तरह से पोलिनेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंसेक्ट हमारे फार्म पे नहीं आते, ये आते हैं, हमारे फार्म पे भी आते हैं, क्योंकि खाद हमारे फार्म पे भी पड़ा रहता है बैकअप के लिए। तो बारिश होती है तो उसमें से ये पैदा हो जाते हैं, और काफ़ी सारे फ्लावर के अंदर में ही भी घुस भी जाते हैं। तो इस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन क्या किया जाए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और हम किसी तरह का भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरी मनाही रहती है। तो इसको बचाव कैसे किया जाए, एक ऑप्शन रहता है कि नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया जाए। नीम ऑयल का भी हमने स्प्रे करके देखा, लेकिन इसका कोई इतना खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ये एक दो बार आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो उसके बाद हल्का फुल्का आपको असर देखने को मिलेगा कि इंसेक्ट अंदर नहीं घुसेंगे, लेकिन मोस्टली अगर दो इंसेक्ट भी अंदर घुस जाते हैं तो वो अपनी पूरी फैमिली क्रिएट कर देते हैं अंदर में। तो हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला, हम नाइट में जैसे ही पोलिनेशन करते हैं 9:30 के आसपास में, उसके बाद में पोलिनेशन होने के बाद में हम तुरंत फ्रूट कवर चढ़ा देते हैं इसके ऊपर में बैग, जो आपने अभी देखा था। आइए आपको हमारा लास्ट ईयर का कुछ सिनेरियो दिखाते हैं। ये हमारे ही फील्ड की फ़ोटोज़ थी, ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर की
इस तरह से इंसेक्ट एक दो करके हमारे फार्म पे घुसने लगे, हमने तुरंत ही इसका प्रिकॉशन लिया और इस तरह का सिनेरियो क्रिएट ही नहीं होने दिया जो हमारे सब्सक्राइबर का आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पूरा फ्लावर का उन्होंने पूरा एकदम डैमेज करके रख दिया। अभी फ्लावर से फ्रूट बनना इम्पॉसिबल है, और ये एक दो में नहीं, ये पूरे जितने भी फील्ड है आपका उसमें सभी में घुस जाते हैं। और इस तरह से ये देखिए स्टिग्मा अलग कर देते हैं और फ्लावर को एकदम पूरा डैमेज करके स्मैश कर देते हैं पूरा, यानी फ्रूट बनने की संभावना ना के बराबर ही रह जाती है। ये देखिए इनकी कितनी जनसंख्या बढ़ जाती है, और ये दोबारा इतनी पॉपुलेशन होने के बाद ये आपका नुकसान करती है। ये इस तरह के बैग हमने बनवाए थे, आप इनकी स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत है। ये लास्ट सीजन का बैग था जो इस बार हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक हमको फेसिंग नहीं हुई। बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई तो भी हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हमारी राय यही है कि आप ये फ्रूट के ऊपर में कवर चढ़ाइए, और इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करने की एकदम ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, और ना ही ये इंसेक्ट अंदर घुस पाएंगे। इस बैग का तीन आपको फ़ायदे रहेंगे, एक तो ये इंसेक्ट से आपको बचाएगी, अंदर नहीं घुसेगा। दूसरा, ये फ्रूट के ऊपर में शाइनिंग बना के रखेगी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, यानी कलर फेडिंग होने का कोई चांस नहीं रहता। कई बार क्या रहता है, डायरेक्ट हीट होने के कारण में, सनलाइट के कारण में नीचे से तो कलर डार्क हो जाता है फ्रूट का, लेकिन ऊपर से हल्का हल्का रेडिश होने लगता है, तो यानी यूनिफॉर्म कलर नहीं बन पाता। इस तरह से आप कवर चढ़ाने के बाद में कलर यूनिफॉर्म बनेगा। और दूसरा, ये कवर बैग चढ़ाने के बाद में हमको एक अलग और चीज़ नोटिस हमने की, फ्रूट पे शाइनिंग तो अलग आती है, लेकिन फ्रूट का साइज़ भी धीरे धीरे इम्प्रूव करता है, क्योंकि ना ही उसको कोई इंसेक्ट परेशान करता है, एक ह्यूमिड वाला उसको माहौल मिलता है, और फ्रूट की शाइनिंग के साथ साथ में और क्वालिटी फ्रूट भी आपको प्रोड्यूस करके ये देता है। अगर किसी किसान भाइयों को इन बैग्स की ज़रूरत है, उनको लोकल में नहीं मिल रहे या अमेजोन वगैरह पे काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, तो हम अपने लोकल मेड प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि उन बेरोज़गार लोगों को और उन फैमिलीज़ को भी सपोर्ट मिल सके, कि उनके भी दो पैसे की इनकम हो सके और आपका भी काम इजीली निकल जाए। एक बैग की हमारे हिसाब से अभी हमने लास्ट सीज़न में इसकी कीमत करीबन 8 रुपया थी, अभी कोरोना के टाइम पकड़ के हम 10 रुपया इसका एक फ़िक्स कर रहे हैं प्राइस, जिसमें इसकी डायमेंशन हम और बढ़ा देंगे। ये करीबन 9x14 इंच का आपका ये बैग रहेगा, और ये बैग इतना मजबूत है कि करीबन चार से पाँच साल तक ये कहीं हिलने वाला नहीं है। तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो हमें मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हम आपको इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज टोटली हमारा रहेगा, इसमें आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा, ओनली बैग का ही आपसे पैसा लिया जाएगा। आप अभी हमारा सिनेरियो देख रहे हैं, ये हमारा नया फार्म है, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि कुछ हमने रिंग लगाना चालू किया था, अभी ऑलमोस्ट हमने करीबन 100 के करीब रिंग्स लगा चुके हैं हम, और धीरे धीरे हर रोज़ दो चार करके हम रिंग लगाते जा रहे हैं। यहाँ एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि जहाँ पे सिंगल हमने प्लांट ऊपर छोड़ा था वहाँ इजीली क्रॉस कर गया, लेकिन जहाँ पे हमारी ना समझी है आप वो समझिए कि एक हमने मदर स्टॉक से दो प्लांट लेने की कोशिश की, वो देखिए कहाँ पे आधे में रह गए, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिशन पौधों ने डिवाइड कर लिया। अगर सिंगल प्लांट लेके जाते हैं तो ईजिली क्रॉस कर जाता है, तो कोशिश कीजिए कि सिंगल प्लांट लेके जाएं। आप बाद में भी दो प्लांट लेके जा सकते हैं, लेकिन एक बार कम से कम रिंग को क्रॉस होने दें। अगर किसी किसान भाई कोई समस्या या सवाल रहता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।